For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं वो एक्नी के हैं. एक्नी से आने वाले नौजवान जो हैं वो एक्नी से ज़्यादा उसकी उससे पैदा होने वाली स्कारिंग के बारे में कंसर्न होते हैं और उसकी ट्रीट उसकी एक तसल्ली बख्श ट्रीटमेंट की तलाश में होते हैं. एक्नी स्कारिंग का ट्रीटमेंट आसान नहीं है, मुश्किल है. इसमें लेज़र्स भी यूज़ होती हैं और कुछ और तरीके हैं जिनमें लेज़र्स इस्तेमाल नहीं होती. इनमें से कुछ तरीके जो हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. मसलन लेज़र फॉर एक्नी स्कारिंग में ट्रीटमेंट के कुछ हफ्ते या कुछ दिनों बाद चेहरे पे मुतासरा हिस्से पे स्याह धब्बे पड़ जाते हैं. इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन कहते हैं. पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन को फिर ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उस ट्रीटमेंट में काफ़ी वक्त लगता है. इसलिए बहुत सारे मरीज़ जो एक्नी स्कारिंग का ट्रीटमेंट कराते हैं, इनफैक्ट उन्हें मरीज़ नहीं कहना चाहिए, वो बाद में परेशान होते हैं जिस ट्रीटमेंट के नतीजे में उनके फेस पे एक्नी स्कारिंग आती है, पिगमेंटेशन आती है.